अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अख्तर मैंगल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वफ की मुलाकात जारी है। असद कैसर, हामिद रजा, उमर अयूब, आमिर डोगर, रऊफ हसन वफ में शामिल हैं। पीटीआई वफ ने कहा कि अख्तर मैंगल इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट इंतजार राय से भी यह खबर सामने आई है कि उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वफ की भी उनसे इस वक्त मुलाकात जारी है और उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। और इसी सूरत हाल में जो जदोजहद है, जो भी बातचीत है, वो असम्बली के अंदर जारी रखें। अख्तर मैंगल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वफ की मुलाकात जारी। असद कैसर, हामिद रजा, उमर अयूब, आमिर डोगर, रऊफ हसन वफ में शामिल। पीटीआई वफ ने कहा कि अख्तर मैंगल इस्तीफ़ा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुश्तरका जदोजहद करें। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे। ज़ीशान गर्देजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान गर्देजी, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं। तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में असद कैसर, हामिद रजा, उमर अयूब और अखवानजादा हुसैन यूसुफजई वफद का हिस्सा थे। पीटीआई वफद में आमिर डोगर, रऊफ हसन मुलाकात में शरीक रहे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अख्तर मैंगल से पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद करने का कहा की दरख्वास्त की है। तहरीक इंसाफ की जानब से कहा गया है कि इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुश्तरका जदोजहद करें। ज़राए के मुताबिक अख्तर मैंगल की जानब से कहा गया है कि बलूचिस्तान के हालात संगीन नोयत के हैं, किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है, बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।